नमस्कार दोस्तों, काना रिपेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड नंबर लिंक करना, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस तरीके के वीडियो दोस्तों YouTube में बहुत सारे डर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जो 1000 अमाउंट लग रहे हैं वो हमें पे ही करना है। दोस्तों क्या कर रहे हैं बहुत सारे यूट्यूबर, जो है पेमेंट का जो प्रोसेस है उसे कट करके वीडियो को अपलोड कर रहे हैं दोस्तों, और कह रहे हैं कि ये हम फ्री में कर रहे हैं। तो इस तरीके के बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको कितना का पेमेंट करना है और कितने घंटे इंतज़ार करना है। ये सारा चीज़ हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के नए नए वीडियो लाते रहते हैं। ये जो पोर्टल है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमें चेक करना है दोस्तों कि जो हमारा पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। तो उनको चेक करने के लिए हमको आना है लिंक आधार पर, और यहाँ हमको आकर क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, हमारे सामने में पैन कार्ड नंबर डालने के लिए और आधार कार्ड नंबर डालने के लिए ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हमें चेक कर लेना है कि हमारा जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो हमें पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमने पैन कार्ड नंबर डाल लिए हैं और यहाँ हम नीचे वाले बॉक्स में आधार नंबर फिल कर देते हैं। वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा पैन कार्ड है वो ऑलरेडी लिंकेड है हमारे आधार कार्ड के साथ, तो हमें यहाँ लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार ज़रूर चेक कर ले, इस तरीके से अगर दिखाता है तो आपको लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। और अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों कि जैसे हमारे पैन कार्ड में आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या ऑप्शन आएगा। तो देखिए, हमने फिर से क्लिक किए हैं लिंक आधार पर, और यहाँ से हम फिर से अभी फिल करके दिखाते हैं। तो यहाँ हमको डालना है पैन कार्ड और नीचे में डालना है आधार कार्ड, और उनके बाद फिर हम प्रोसेस को दिखाते हैं। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं वैलिडेट पे, इस तरीके के ऑप्शन आ जाएंगे दोस्तों अगर आपको पेमेंट मांगेगा। देखिए यहाँ आपको 1000 रुपया पेमेंट मांगेगा। कंटिन्यू टू पे पर हमको क्लिक करना है और यहाँ से अपना पैन कार्ड नंबर को इंटर करना है। यहाँ हम उसको कंफर्म करेंगे। यहाँ हमको मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, जो कि आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर को हमको यहाँ इंटर करना है। उसके बाद हमको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ हमारे सामने में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ हमको इंटर कर देना है और यहाँ हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा जो OTP है वो सक्सेसफुली हो चुका है। फिर से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ और यहाँ से हमको देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ से हमको प्रोसीड पर क्लिक करना है और असेसमेंट ईयर 23-24 को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आना है अदर 50 रुपीज़ वाले को ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं 1000 रुपये पेमेंट दिखा रहा है। यहाँ हम कंटिन्यू पर क्लिक किए, यहाँ हमको पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। आप कर सकते हैं, यहाँ से हम नेट बैंकिंग से कर रहे हैं और यहाँ स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर हम क्लिक कर रहे हैं।
और यहाँ से पे नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमको नीचे आना है, एक्सेप्ट करना है, सबमिट टू बैंक पर हमको क्लिक कर देना है और यहाँ से हमको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर हम लॉगिन कर लेंगे। हम नेट बैंकिंग से कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हमको 1000 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं हम यहाँ। इसी तरीके से आपको भी पेमेंट कर लेना है और यहाँ जो हमारे मोबाइल पर OTP गया है उसे हम यहाँ इंटर करेंगे और यहाँ हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, सक्सेसफुली हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है और यहाँ भी हम देखेंगे पोर्टल में तो यहाँ भी हमको सक्सेसफुली का दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ भी सक्सेसफुली का ये आ गया है। इस तरीके से हम पेमेंट कर लेंगे और यहाँ हमको रिसिप्ट डाउनलोड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप अपना रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं जो आप पेमेंट किए हैं। तो दोस्तों, आपको इंतज़ार करना है पेमेंट करने के बाद, 48 घंटे तक का आपको इंतज़ार करना होता है दोस्तों। आप इंतज़ार कीजिए, हो सके तो 3 से 4 घंटे में भी ये आगे का प्रोसेस ऑन हो जाता है। हम 48 घंटे बाद फिर से हम आए हैं यहाँ लिंक आधार पर और यहाँ हम क्लिक किए। उसके बाद यहाँ हम पैन कार्ड नंबर इंटर करेंगे, तुरंत करेंगे दोस्तों। ये जो प्रोसेस है तो ये नहीं होगा दोस्तों, आपको रुकना ही है, या तो 5 से 6 घंटे या तो फिर 48 घंटे आप रुक जाइए। उसके बाद फिर हम यहाँ डालेंगे अपना आधार नंबर और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये जो हमारा अमाउंट है वो शो हो रहा है, ये देखिए जो हम पे किए हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो चलान सीरियल नंबर हमको शो हो रहा है, BSR कोड जो है वो शो हो रहा है और ये जो हम अमाउंट कटाए हैं वो भी शो हो रहे हैं और ये जो हमारा डेट है पेमेंट का वो भी यहाँ शो हो रहा है। यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये जो प्रोसेस है दोस्तों, इससे हमारा जो है पैन कार्ड है जो आधार कार्ड के साथ लिंक होगा। यहाँ दोस्तों, आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको नाम को डालना है, जैसा आपका स्पेलिंग आधार कार्ड में है वैसा ही यहाँ डाल देना है और यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ दो ऑप्शन दिया है दोस्तों, उसमें का फर्स्ट का जो ऑप्शन है, आपके आधार कार्ड में अगर केवल ईयर बस का दिया है तब उसको चेक करना है, नहीं तो फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करना है और आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां हमको एक OTP आ जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, उस OTP को यहां हम फिल कर देंगे और वैलिडेट पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों, ये जो है हमारा आधार कार्ड है जो लिंक के लिए रिक्वेस्ट जो है सेंड हो जाता है। ये जो रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये हमारा चला गया है और हमें अभी 48 घंटे तक का वेट करना है दोस्तों। ये जो हमारा लिंक होने में 48 घंटे का समय जो है लगेगा, तो हमें 2 से 3 दिन वेट करना होगा दोस्तों। 2 से 3 दिन वेट करने के बाद फिर से हमको उस लिंक आधार पर क्लिक करना है और यहाँ से हमको डालना है पैन कार्ड नंबर और यहाँ से हम डालेंगे आधार कार्ड नंबर और वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये जो हमारा आधार कार्ड है वो लिंक हो चुका है। तो ये आपको 48 घंटा इंतज़ार करना है दोस्तों और आप इस तरीके से अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कर पाएंगे।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा रिपेयर को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।